गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं परिवार। परिवार को हम इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। परिवार एक समाज का एक ऐसी इकाई है जिसमें मनुष्य जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं, जिसको हम परिवार कहते हैं। परिवार में उसके माता पिता, बच्चे और समुदाय के विभिन्न लोग से जुड़े रहते हैं, जिसको हम कह भी सकते हैं कि परिवार एक सामाजिक संबंधों का जाल है, इसीलिए कहा जाता है इसे परिवार। परिवार में कहा जाए तो एक परिवार ऐसा चीज है जिसको हम एक सार्वभौमिक इकाई भी कहते हैं। परिवार में हर एक तरह की रीति रिवाज, नियम कानून इत्यादि की शिक्षा जो है वो हमको परिवार से ही मिलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं परिवार की एक बड़ी इकाई भी है और एक छोटी इकाई भी है। जैसे हम परिवार को दो भागों में बांट के बता सकते हैं, एक है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जो लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें उनके माता पिता, उसके चाचा चाची, उसके ताऊ, उसके ताई और बच्चे सब एक साथ रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं संयुक्त परिवार और वो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। उसके बाद है एकल परिवार। एकल परिवार में ये एक सबसे छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं एकल परिवार। अब है संयुक्त परिवार के लाभ क्या क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि संयुक्त परिवार का लाभ है कि वो एक सभी कोई एक छत के नीचे होते हैं, और दूसरा है पुरुष की प्रधानता होती है उसमें, और नेक्स्ट है बूढ़े असहायों का देखभाल अच्छे से होता है। तो सबसे पहले है सभी एक छत के नीचे रहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त परिवार में सब कोई मिलजुल के एक साथ रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं, इसीलिए कहा गया है कि वो सब एक छत के नीचे ही रहते हैं। और दूसरा है कि पुरुष प्रधान होते हैं, संयुक्त परिवार में सबसे ज़्यादा पुरुष को प्रधानता दी जाती है, इसमें महिलाओं को नहीं। पुरुष ही घर का सारा कार्य को संभालते हैं, देखते हैं, और जितनी भी आर्थिक आवश्यकताएँ हैं उसको पुरुष ही पूर्ति करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि पुरुष प्रधान होता है। नेक्स्ट है बूढ़े और असहाय लोगों की सेवा। अगर संयुक्त परिवार में बहुत सारे फैमिली होते हैं जिसके कारण बूढ़े और असहाय लोग हैं जिनको देखभाल करने में सहायता होती है, अगर वो किसी तरह अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं तो उनका हेल्प मिल जाता है, इसीलिए उसे कहा गया है कि बूढ़े बुजुर्गों का सहायता मिलता है। नेक्स्ट है एकल परिवार। एकल परिवार का लाभ है, पहला है शिक्षितों की संख्या अधिक होती है, और दूसरा है आपसी मेल मिलाप, और तीसरा है स्त्री पुरुष दोनों की प्रधानता होती है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षितों की संख्या अधिक होती है, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम एकल परिवार में रहते हैं तो बच्चों का देखभाल या फिर उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो पाती है, इसीलिए उसे कहा गया है कि शिक्षितों की संख्या अधिक होती है और बच्चों को वो अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों का अच्छे से केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपसी मेल मिलाप। उनका परिवार छोटा होता है इसलिए वो आपसी मेल मिलाप अच्छे से कर पाते हैं। और नेक्स्ट है स्त्री पुरुष दोनों की प्रधानता होती है। एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, इसलिए दोनों की प्रधानता होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपस में दोनों का निर्णय होता है, इसीलिए दोनों की प्रधानता होती है। धन्यवाद।